फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी मेथी दाने के फर्टिलाइज़र के बारे में कि इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाते हैं और इससे प्लांट्स के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है इस समय, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में प्लांट को सुरक्षित रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इस समय हमें प्लांट के लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र देने होते हैं जो प्लांट की सॉइल के टेम्परेचर को मेनटेन करके रखें, इसके साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर हों तो प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखे और उसमें फूल फल आते रहें। तो ये मेथी दाना सर्दियों में प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है। आखिर मेथी दाने में ऐसा क्या है जो प्लांट के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट में इम्यूनिटी लाने का काम करते हैं। प्लांट की यदि ग्रोथ रुकी हो तो ग्रोथ होती है, और सर्दी में प्लांट कमज़ोर हो जाता है तो इसमें होने वाले कैल्शियम की वजह से प्लांट का इसमें मौजूद कैल्शियम प्लांट को मजबूत बनाता है। पोटेशियम पौधों में फूल लाने का काम करता है, इसके साथ ही आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र में आपको दो चीज़ें मिलानी होंगी जो कि आप देख रहे हैं, ये मेथी दाना है। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ मिलाऊंगी जो कि प्लांट के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे हों। विंटर प्लांट्स पर भी यह काफ़ी यूज़फुल है और प्लांट अपनी ग्रोथ को इस फर्टिलाइज़र से बनाए रखेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक बार फूल आने के बाद प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं, तो यदि आपके प्लांट में ऐसी समस्या है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सर्दियों में अपने प्लांट की देखभाल से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है, प्लांट को आपको धूप में रखना होगा। जितनी भी धूप आती हो वो प्लांट को लगनी चाहिए। जितनी अच्छी प्लांट में धूप लगेगी, प्लांट हमारा ग्रोथ करता रहेगा और प्लांट में फूल आते रहेंगे। यदि आप इसे धूप में नहीं रखते हैं तो प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी और प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद इसमें अभी बढ़ती ठंड में वाटरिंग भी आपको ज़्यादा नहीं करनी है। सॉइल में बहुत देर तक पानी भरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो प्लांट की जड़ें ख़राब हो जाएंगी और प्लांट ग्रोथ रोक देगा। इसके बाद मिट्टी में एक बार आप गुड़ाई ज़रूर करें। महीने में एक बार यदि गुड़ाई करते हैं, और ख़ासतौर पर जब आप किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें, उसके बाद अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इससे जड़ें फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक खाली जार लेना है, और उसमें मैं डालूँगी ये एक चम्मच मेथी दाना। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेथी दाने के फ़ायदे के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ डाल रही हूँ वो है यूज़ की हुई चाय पत्ती। सर्दियों में बहुत ही प्लांट के लिए यूज़फुल है। प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाती है, नाइट्रोजन से भरपूर रहती है और मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। तो एक चम्मच ये आप चाय पत्ती ले लें। इसके बाद इसमें पानी डाल देना है। तकरीबन मैं एक लीटर पानी डाल रही हूँ। इसको आपको दो दिन के लिए ढककर रख देना है। दो दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, दो दिन बाद आपको कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए, पूरी तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। अब हमें इसको अपने प्लांट पर यूज़ करना है। इसको चेक करने के लिए कि फर्टिलाइज़र हमारा अच्छी तरह से तैयार है या नहीं, आप देखें, ये मेथी दाना पूरी तरह से गल गया है। इस तरह से ये गल जाना चाहिए। अब इसको मैं छान लेती हूँ। छानने के बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र है उतना ही भाग आप पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट कर लें। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। प्लांट आपके सर्दियों में भी हरे भरे और स्वस्थ बने रहेंगे। थैंक यू।